हम भी शाम को गांव में बैठा करते थे, हमको भी हालात ने बाहर भेजा है। उस शख्स के नॉस्टैल्जिया में बहुत मजबूती के साथ कदम जमाए होता है जो शहर की जिंदगी या प्रदेश का हिस्सा बन गया हो। गांव की जिंदगी की मासूमियत, इसकी अपनाइत और सादगी जिंदगी भर अपनी तरफ खींचती रहती है। इन कैफियतों से हम इसे बेशतर गुजरे होंगे और अपने अंदर में अपने अपने गांव को जीते होंगे। आज की ये कहानी मेरे गांव के नाम। यह हसीन वादी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में वाकई है, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है और जिसे तय करने में तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं। मैं इस वक्त मरी पहुंच चुका हूं। बहुत खूबसूरत मौसम है, इतनी गर्मी थी दो दिन पहले और आज का जो मौसम है वो अनबिलीवेबल है। कॉफ़ी, पकौड़े और ये नज़ारा। अगर आप इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद के लिए निकलें तो पहले आप मरी पहुंचेंगे। मरी एक बहुत खूबसूरत शहर है जो अपने मुनफरिद नज़ारों और दिलकश मौसम की वजह से बेहद मशहूर है। मरी से मुजफ्फराबाद पहुंचने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे। सफर नहायत दिलकश और मुनफरिद इस लिहाज से है कि एक तरफ तो ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ आपके मुखालिफ सिमत में बहता हुआ दरियाए जेलम। मैं इस वक्त मौजूद हूं कश्मीर में, रात को पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे होंगे, खूबसूरत ग्रीनरी। मैं इधर हूं 4-5 दिन, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ, क्योंकि बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा मौसम है। अभी चूँकि मैं अपने गाँव में मौजूद हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है बचपन का, खासकर तो जिधर जिधर से गुजर रहे हैं वहाँ वहाँ से यादें हैं, हर जगह की बेशुमार यादें हमारी। अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल पाकिस्तान, सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पीछे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, ये करके ये है पाकिस्तान, और इधर जिधर अभी मैं मौजूद हूँ ये है कश्मीर, और हम बॉर्डर जो है वो एक दरिया है जिसमें हम फ्री मूविंग है, आना जाना है। मेरा ननिहाल पाकिस्तान में होता है, तो मैं सलाम करने जा रहा हूँ सब लोगों को, मिलूँगा। बहुत प्यारी जगह है, खूबसूरत है और ठंडी जगह है, थोड़ी हाइट पर है इस वजह से ठंडी जगह है। इस इलाके का नाम पठान खुर्द है और ये अहमदाबाद में आता है बेसिकली।
अभी तलक है नजर में वो शहर सब्जा उगुल, जहां घटाएं सरे रह गुजार झूमती हैं, जहां सितारे उतरते हैं जुगनुओं की तरह, जहां पहाड़ों की कोसें फलक को चूमती हैं। तमाम रात जहां चांदनी की खुशबू है, चिनार और सरू की परछाइयों में घूमती हैं, अभी तलक है नजर के निगार खाने में वो बरगे गुल से तराशे हुए बहिश्त से जिस्म, वो बोलते हुए अफसाने अलिफ लैला के, वो रंग और नूर के पैकर, वो जिंदगी के तलस्म। और ऐसी कितनी ही रानाइयां के जिन के लिए ख्याल फिक्र की दुनिया में कोई नाम न इस्म, अभी तलक है तसव्वुर में वो दरो दीवार, बसीते दामने कोहसार में चिनारों तले, जहां किसी की जवान जुल्फ बारहा बिखरी, जहां धड़कते हुए दिल मोहब्बतों में ढले। मैं लौट आया हूं उस शहर सब्जा व गुल से, मगर हयात इन्हीं साथों पे मरती है। मुझे यकीन है घने बादलों के साए में वो जुल्फ अब भी मेरी याद में बिखरती है। चराग बुझ भी चुके हैं मगर पसे चिलमन वो आंख अब भी मेरा इंतजार करती है।